नमस्कार, मैं हूं सैयद अनवर और आप देख रहे हैं वो जो पहले आपने कभी देखा नहीं। मैं करने जा रहा हूं रिव्यू। गाना है तुम मेरी हो। ये गाना किसका मालूम? अपने केआरके का। केआरके नहीं जानते? केआरके साहब, कमाल राशिद खान साहब, रिव्यू एक्सपर्ट, उनका ही गाना है। म्यूजिक एल्बम आया नया, तुम मेरी हो। ये गाना उन्होंने खुद लिखा, उसमें एक्टिंग भी की, लीड में एक्टिंग की है। और गाना गाया है जावेद अली ने। ठीक ही गाया है, बहुत अच्छा नहीं लेकिन ठीक। अब डायरेक्शन घुसेड़ दिया है नीतीश सर ने, एकदम धर के घुसेड़ दिया डायरेक्शन। गाना जो है वो चर्च गेट की तरफ जा रहा है और जो सीन है वो विरार की तरफ जा रहा है। कैसे होगा मिलन? ये तो कमाल भाई को पता होगा। भाई कमाल भाई है, कमाल कर सकते हैं और वो कमाल कर चुके हैं ये गाना बनाकर। तुम मेरी हो। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो रिव्यू। लेकिन कमाल साहब का नाम तो सीन कुछ इस तरह शुरू होता है। कमाल साहब पुलिस ऑफिसर बने हैं इसमें और वो आते हैं, व्हाइट शर्ट पहने हैं, बंदूक लगाया है और एक कमजोर सा निहायती मजदूर सा देखने वाला लगता है। कई महीनों से सैलरी नहीं मिली है बेचारे को। हवलदार ढीला सा वर्दी पहने हुए रंग बिरंगे फाइल उनको देता है, लाल पीले नीले, उनको फाइल पकड़ाता है कमाल साहब को। और कमाल साहब रंग बिरंगे फाइल लेते हैं हाथ में और रोबोट की तरह पढ़ लेते हैं हम रोबोट की तरह। उसके बाद एक पीला रंग का, याद रखिएगा, पीला येल्लो, यह पीले रंग का चश्मा पहनते हैं कमाल साहब और हवलदार के साथ चलते हैं। और चलते चलते हवलदार गायब। हवलदार मिस्टर इंडिया था या मिस्टर एक्स, ये तो किसी को पता नहीं चला। कमाल साहब अब बैठे हैं रेस्टोरेंट में। कमाल साहब का वो जो पीला चश्मा था वो अचानक से काला हो गया है। शायद वो रेस्टोरेंट वालों ने गैस यूज नहीं किया था, कोयला यूज किया था शायद। तो कमाल साहब का चश्मा हो चुका है काला और बैठे हैं, फाइलें पलट रहे हैं। अचानक से उनका फोन उठता है, कान में चिपक जाता है। कुछ बात नहीं करते हैं, चिपका के रखते हैं। पता ना कौन सा खुफिया एजेंसी से खबर आया था कुछ। उसके बाद सडनली उनको याद आता है कि अरे ड्रीम गर्ल का रिव्यू करना है। वो सब ताम झाम लपेटते हैं और चल पड़ते हैं रेस्टोरेंट के बाहर। जैसे वो निकलने जाते हैं एक लड़की आवाज देती है, एक्सक्यूज मी, वो चाबी देती है। अभी जो चाबी दे रही है यही है भाभी, आपकी भी हमारी भी, मतलब कमाल साहब की वो है। कमाल साहब को उनसे मोहब्बत हो जाता है, चाबी वाली भाभी बन जाती है। और ये लोग घूम रहे हैं रंग बिरंगे कपड़े पहनकर, कभी वर्सोवा बीच में, कभी यहाँ कभी वहां। वर्सोवा बीच की तरह लगा है, कहाँ का सीन है एग्जैक्ट पता नहीं चला है, हो सकता है। अब ये दुरंगा जींस पैंट, दुरंगा है, दुरंगा समझ रहे ना, हाँ, और ऑरेंज कलर का शर्ट पहनकर समुद्र के अंदर लड़की घुमा रहे हैं। एक चीज अभी तक समझ नहीं आया कमाल साहब, देशद्रोही से लेकर संगीत की दुनिया तक आपका जो शर्ट है वो इन नहीं हो पाया है। शायद कॉस्ट्यूम वाले के पास बेल्ट नहीं होगा। मैं तो उसी कॉस्ट्यूम वाले को ढूंढ रहा हूं कि बेल्ट क्यों नहीं दिया कमाल साहब को, हमारे केआरके साहब को बेल्ट क्यों नहीं दिया। बेचारे शर्ट खुले लड़की के साथ घूम रहे हैं। कौन सा हीरो ऐसा घूमते हैं कमाल साहब, वो भी म्यूजिक वीडियो में। चलिए आपका तो आप घूम ले, आप तो कमाल है। अब घूमते घुमाते आ जाते हैं एक कमरे में जहां पर लड़की है खूबसूरत, वही लड़की। और ये लड़की के साथ में रोमांस करने की कोशिश कर रहे हैं, कर नहीं पाए। वजह क्या थी मुझे नहीं मालूम। रोमांस करने की कोशिश करते हैं और कमाल साहब का जो शर्ट है येल्लो है, येल्लो। यहां पर उनका चश्मा पीला से नीला, नीला से लाल, लाल से ब्लू होते हुए ब्लैक में बदलते हुए आता है। चश्मा बदलता रहता है सीन के साथ। उसके बाद कमाल साहब आते हैं, लड़की को ऐसे पकड़ा और ऐसे बेड में पटकते हैं। और जैसे ही बेड में पटकते हैं कमाल साहब का जो पीला शर्ट है ऑरेंज हो जाता है। कहा कमाल साहब ऐसा जादू तो बंगाल में भी नहीं होता है। तो ये कैसे हो गया ये जादू, ये तो डायरेक्टर भी हैरान परेशान है। ये कौन सा VFX यूज किए थे,
ये तो छानबीन हॉलीवुड वाले भी कर रहे हैं। खैर, और कमाल साहब को लड़की साथ में बहला रही फुसला रही है, फिर अलग सीन चेंज होता है। दो गुंडे टाइप लोग एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं और ऑरेंज जूस पी रहे हैं गटागट। अब गुंडे हैं, ऑरेंज जूस पी रहे हैं, इधर कमाल साहब लड़की के साथ दारू पी रहे हैं। ये क्या लॉजिक है यार, गुंडे जूस पी रहे हैं और हीरो दारू पी रहा है। तो इतिहास लिख दिए ना कमाल साहब, इतिहास लिख दिए, कल तो सुर्खियों में रहेगा ये खबर। अब चलिए, शरीफ टाइप के जो गुंडे थे जो जूस पी रहे थे, वो कमाल साहब की तस्वीर लड़की को दिखाते हैं, कुछ कहते हैं। लड़की तस्वीर देखती है, अब ये क्या कहते हैं गुंडे, वो तो कहते हैं लेकिन सुनाई नहीं देता है। जहां तक मेरा अंदाज, वो कह रहे होंगे ये बहुत खराब एक्टिंग कर रहा है, इसको गोली मार दो। और लड़की भी सोचती है, इससे पहले कि ये दूसरा एल्बम में मेरे साथ घुस जाए, इसको तो गोली मार ही देते हैं। और लड़की आन मान शान सब भूल के, यार मोहब्बत भूल के गोली मार देती है। कमाल साहब आ रहे हैं चाय लेकर और लड़की गोली तैयार है। शायद हो सकता है चाय बनाने में लेट हो गया हो, इसीलिए गुस्से में गोली मार दी हो। गोली मार दी, उस चाय के साथ गिर गया कमाल साहब। जो कप वप है, कप वप टूट गया, कमाल साहब जमीन में। अब लड़की रो रही है, मैंने क्यों मार दिया। लड़की क्यों रो रही है, अब ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, लड़की रो क्यों रही है। डायरेक्टर साहब जरा बताएंगे लड़की क्यों रो रही है, क्या उसके पछतावा है कि उसने चाय पीकर मारना चाहिए। हाँ, चाय तो दो बर्बाद हुआ है भाई, जिंदगी किसी की गई गई, चाय बर्बाद नहीं होना चाहिए था। हो सकता है लड़की सोच रही होगी, बेकार मार दिया, अगर नहीं मारते तो आने वाले वक्त में दूसरे इस तरह के गाने में, नहीं डिजिटल एड में काम मिलता। कमरे का मौका मिलता है। चलिए कोई बात नहीं है, इसी के साथ कमाल साहब को गोली लग चुकी है, कमाल साहब। और उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद खत्म। उसने क्यों मारा, ये क्यों गाना बनाए, क्यों गया, ये कुछ समझ से परे था। कमाल साहब का ये म्यूजिक एल्बम था या डिजिटल एड, ये बहुत कंफ्यूजन है। कभी कभी लगता है डिजिटल एड है, चश्मे का डिजिटल एड, अलग अलग सीन में अलग अलग चश्मा, चश्मा सीन के साथ बदलता रहा। तो मुझे लगा शायद ये चश्मे का नया डिजिटल एड निकला है जिसके बैकग्राउंड में गाना चल रहा है। लेकिन ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि किस कंपनी का चश्मा है। हो सकता है KRK नया कंपनी बना रहे हो सकता है KRK ब्रांड का नया चश्मा, रंग बिरंगे, नीले पीले बीले। चलिए आप देखिए इस डिजिटल एड को विथ म्यूजिक। गाना ठीक ही था, कमाल साहब ने खराब नहीं लिखा है। कमाल साहब, मैं एक बात कहूंगा, आप अच्छा लिखते हैं, आप रिव्यू बहुत अच्छा करते हैं, आप रिव्यू करते रहिए। ये एक्टिंग वैक्टिंग छोड़ दीजिए, आपके बस का बात नहीं है। अगर आपके बस का बात होता तो देशद्रोही की ठीक बात, देश प्रेमी, देशभक्त, इस तरह की फिल्में कुछ ना कुछ आते रहते हैं, कुछ तो आए नहीं। क्यों कर रहे हैं आप, क्यों कर रहे हैं आप? आपके पास पैसा अगर है एल्बम बनाने का तो आप बनाइए, बेशक बनाइए, किसी नए न्यू कमर को लीजिए, अच्छे लीजिए। अभी चचा भतीजे की जोड़ी तो मजा नहीं आती ना कमाल साहब। अच्छा गाना भी खराब हो गया बेचारे जावेद अली साहब, इतना मेहनत से गाए, अच्छा गाए। चलिए कोई बात नहीं, आपने अपना तमन्ना, अपनी मुराद, अपनी ख्वाहिश पूरी की वो एल्बम बनाकर और मैंने ये रिव्यू बनाकर। तो दोस्तों, आप गाना जरूर सुनिए, हो सकता है आपको अच्छा लगे, कमाल साहब का है भाई, कुछ भी हो सकता है। तो रहा बात गाने को कितना स्कोर दिया जाए, क्या बोलते हैं उसको, कितना स्टार दिया जाए, 5 में तो मैं भाई 1.25 दूंगा, 1.25 रुपए शगुन होते हैं। 1.25 मैंने रेटिंग दिया है, तुम मेरी हो। वो तो लड़की तो हुई नहीं कमाल भाई, आपका एक्टिंग करियर भी नहीं हुआ, कैसे आप बोल रहे हो तुम मेरी हो। आपका सिर्फ रिव्यू हो सकता है, रिव्यू के लिए आप बहुत अच्छे हैं, थैंक यू कमाल भाई, ये ऐसा गाना हमें दिखा।